आज मैं आपको शुगर के दांत से वशीकरण करना बताऊंगा, जिससे कि आप घर में बैठे किसी भी स्त्री और पुरुष को या कुंवारी लड़की को या छोटी लड़की को आप अपने वश में कर सकते हैं। ये इतना पावरफुल वशीकरण टोटका है कि ये पूरा विश्व प्रसिद्ध है, पुरानों से लेकर चला आ रहे हैं और जिसने भी इसका प्रयोग किया है उसका 100% वशीकरण हुआ है। मैंने इस वशीकरण टोटका से, शुगर दंत वशीकरण से मैंने लगभग हजारों व्यक्ति का वशीकरण कर चुके हैं और सबका वशीकरण पूरा हो गया है। अगर आप भी चाहते हैं कि घर में बैठे किसी भी स्त्री और पुरुष को हमेशा हमेशा के लिए अपने प्यार में दीवानी बना दे, उसको टरपाए, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। मैं इतना शक्तिशाली वशीकरण टोटका बतला रहा हूँ आप लोगों को कि आज तक किसी ने भी आपको यह नहीं बतलाया होगा। इसको क्या करना है, सीध करके अपने गले में धारण कर लेना है ताबीज के रूप में। शुगर के दांत को वशीकरण सीध करके अपने गले में धारण कर लेना है। उसके बाद में जब धारण कर लीजिएगा, आप जिस स्त्री को अपने वश में करना चाहते हैं उसके तरफ देख करके इस मंत्र का 7 बार उच्चारण अपने मन में कर लेते हैं, वो स्त्री पल भर में ही, मिनट भी नहीं लगेगा, और वो आपके वश में हो जाएगी। कोई पुरुष भी हो या कोई शादीशुदा औरत हो, पल भर में ही आपके वश में हो जाएगी। अगर इसको धारण कर लेते हैं ताबीज बना के, तो आपके ऊपर जादू टोना का कोई असर नहीं होगा। रोगी होगा तो रोगी ठीक होने लगेगा, साथ में चिंताएं दूर होगी, धन की वृद्धि होगी, हर जगह कोर्ट कचहरी में हमेशा आप ही का जीत होगा, आपकी दुश्मन हमेशा आपसे हार जाएगा, आप हमेशा जीतिएगा। ये इतना शक्तिशाली है कि अगर किसी को बार बार बुरी नज़र लगता है उसमें भी ये फायदा करेगा। तो आइए बतलाते हैं कैसे इस वशीकरण को पूरा करना है, कैसे इसको सिद्ध करना है कि कोई भी स्त्री हो पल भर में ही आपके वश में हो जाए। अगर आप मेरी चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को दबा दीजिए, ताकि हम जितने भी वीडियो बनाएंगे वो सबसे पहले आप ही के पास में जाएगा। तो आइए हम बतलाते हैं वह कौन सा मंत्र है और कैसे क्या करना है। सबसे पहले आपको शुगर का एक दांत लेना होगा। शुगर का दांत आपको लेना है। इस टोटका को आप मंगलवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन, दो ही दिन आपको संध्या के 7 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में करना है। आपको दीप जला लेना है, दीपक जला लेना है, सामने में पूरब दिशा की ओर घूम करके बैठ जाना है, और उसके बाद में ये जो शुगर दंत है, शुगर का दांत है, इसको सामने रख लेना है और लाल चंदन लेना है। उसके बाद में मैं जो मंत्र बताऊंगा उस मंत्र को क्या करना है, इससे सिद्ध कर देना है। कैसे सिद्ध करना है ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। मंत्र इस प्रकार से है, ध्यान से देखिएगा। ओम ह्रीम क्लीम श्रीम वारा दंताय भैरवाय नमः। इस मंत्र का प्रयोग आपको 108 बार करना है। कैसे क्या करना है, शुगर दंत को अपने सामने रख लेना है, लाल चंदन से क्या करना है, शुगर दंत को इस प्रकार से घेर देना है, लाल चंदन से घेर देना है, शुगर दंत पे लाल चंदन रख देना है। उसके बाद में आगे एक दीपक जला लेना है। उसके बाद में इस मंत्र को आपको 108 बार बोलना है। उसके बाद में यह सिद्ध हो जाएगा। 5 अगरबत्ती जलाइए, 5ों अगरबत्ती का धुआं इसको दिखा दीजिए दांत को। उसके बाद में इसको ताबीज बनाकर अपने गले में धारण कर लीजिए। कहीं भी जाते हैं सब कोई आपके वश में हो जाएगा। जिस स्त्री को आप अपने वश में करना चाहते हैं उसकी आंखों के तरफ देख करके, उसके चेहरे के तरफ देख करके इस मंत्र का अपने मन में 7 बार उच्चारण कर लीजिए, वो पल भर में ही वो आपके वश में हो जाएगी। आप सोच नहीं सकते इतना खतरनाक पावरफुल वशीकरण टोटका है। आप लोग से मैं विनती करूंगा कि इसका गलत प्रयोग नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल वशीकरण टोटका है।
अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को दबा दीजिए ताकि हम जितने भी वशीकरण का वीडियो बनाएंगे वो सबसे पहले आप ही के पास में जाएगा।